नवाब मलिक का पीएम मोदी पर निशाना, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर ले, हार निश्चित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीतापुर दौरा, आज कार्यकर्ताओं को देंगे बूथ जीतो, चुनाव जीतो का गुरु मंत्र। कुशीनगर और दिल्ली के बीच 26 नवंबर को शुरू होगी पहली फ्लाइट। सीमा विवाद पर दिल्ली में मिजोरम सीएम की असम के मुख्यमंत्री के साथ होगी अहम बैठक। तमिलनाडु में अगले 3 घंटे में आंधी तूफान के आसार, हल्की बारिश का भी भुगतान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पीश्विता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सहारनपुर के सभी जिलों की जिला संचालन समिति व विधानसभा संचालन समिति की बैठक ली गई, जिसमें मुख्य अतिथि रहे प्रदेश सह संगठन महामंत्री कर्मवीर मौजूद रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और पंचायत राज मंत्री भूपेन्द्र बिन भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने संचालन समितियों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि यूपी में चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब सब चुनाव में तैयारी कर चुके हैं, तो हम भी सभी कार्यकर्ताओं को मंडल से बूथ पर जाकर काम करना होगा। बुलंदशहर में अगौता थाना क्षेत्र के शरीफपुर भांसरोली गांव में गोली चलने का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवक घर के ऊपर खड़े होकर गोलियां दागता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है किसी मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गए थे। बता दें कि मृतक के परिजनों ने 2 अधिवक्ताओं सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इसके बाद 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं राम मुदगल हत्या के मामले में आरोपी अधिवक्ता मुकेश शर्मा और सुमित पालीवाल के समर्थन में सारे अधिवक्ता आए, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। भैया, उसमें इन लोगों ने मेरे पति का और मुकेश शर्मा जी का नाम झूठा लिखवाया, जबकि उस टाइम हम लोहा मंडी, जिस टाइम की ये घटना है 302 वाली, उस टाइम हम लोहा मंडी में अपनी एक FIR में 180/21 में बयान कराने गए थे। किस प्रकरण को लेकर आपका नाम, क्या मामला था? सर भैया, कुछ दिनों पहले गजेंद्र शर्मा उस भू माफिया ने हमसे 14 वसूली मांगी थी, ठीक है सर। ASP साहब ने जाँच कराई, जांच कराने के बाद वो FIR हुई, उसमें 8 या 9 लोगों के नाम नामजद थे। उसके बाद हम पे दबाव बनाया गया, हमें धमकियां आई कि तुम्हें कैंप आउट बाहर करा देंगे, ये FIR वापस ले लो। इसके बाद उन लोगों ने हम पे लगातार 4 FIR करा दी, जिसमें से 1 56-3 डाली उन्होंने ST/SC की, 1 डाली, 1 उन्होंने उसी जिस दिन ये हत्या वाली घटना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तो ममता, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है एक युवक की जो गोली मारकर हत्या की गई है, आखिर क्या है पूरा मामला? जी श्वेता, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह थाना सागंज का ये पूरा मामला है, यहाँ विगत कुछ दिन पहले एक युवक की, जो की अधिवक्ता के पिता है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, कि जिसके दरमियान कुछ लोगों को, युवक के जो परिजन है, उन्होंने 9 लोगों को नाम दर्ज, उसमें जो FIR कराया था, तो नाम दर्ज इसको लेकर अब तक पुलिस के द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कुछ लोगों को दूसरा पक्ष का कहना है कि रंजसन, यहाँ 2 हम लोग जो 2 अधिवक्ता हैं उनको रंजसन उसमें नाम दर्ज कराया गया है,
और उनका साफ तौर से यह भी कहना है कि यहाँ जिस समय ये घटना कारित हुई है उस समय हम थाना लोहा मंडी अपने किसी क्लाइंट के साथ गए हुए थे। तो साफ तौर से देखा जा रहा है, जिस तरह के उन्होंने सीसीटीवी फुटेज हमें दिए हैं उस तरह से देखा जा रहा है कि वो वहाँ मौजूद हैं। और अधिवक्ता के जो पिता की हत्या हुई है तो उन्होंने एक रंजिशन के तौर पर उनका जो गलत तरीके से नाम लिखाया गया, कि उसी दरमियान उन्होंने कल मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी सौंपा। ममता, किस तरीके की रंजिश बताई जा रही है, किस बात को विवाद चल रहा था जिसके चलते इस तरीके की हत्या की गई है? जी बिल्कुल, इनका जो अधिवक्ता के जो पिता हैं उनका परिवार से कुछ अपना परिवार का ही कुछ विवाद चल रहा था, जमीनी जायदाद का इस तरह की कुछ रंजिशन है, लेकिन उसके दरमियान इन लोगों को कुछ और लोगों को भी उसमें लपेट लिया गया है। जिस तरह के देखा जा रहा है कि कोई जो मिलने वाला होता है उसके साथ में अगर कोई खड़ा है तो उसको भी उस रंजिशन के तौर पर जो लोग लिखवा देते हैं, इस तरह से उन्होंने लिखवा दिया है। तो ये गलत तरीके से उनका नाम लिखाया गया है, कि जिस तरह हमारे पास भी साक्ष्य मौजूद है कि साफ तौर से देखा जा रहा है कि घटना के समय अधिवक्ता मुकेश और जो सुमित हैं वो दोनों ही वहां थाना लोहा मंडी में मौजूद थे। जी, अब मामला संज्ञान में आने के बाद किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, अधिकारियों से जब कल बात की गई है, अधिवक्ताओं का जो ग्रुप है वहां जाके उन्होंने ये ज्ञापन दिया है और अपने साक्ष्य पेश किए हैं, तो उसके बाद अधिकारियों ने थाने के लिए फोन करके सूचित किया कि जिस तरह की अधिवक्ताओं के ऊपर ये गलत तरीके से झूठे तरीके से ये मुकदमा लिखाया जा रहा है, तो इसकी आप पूरी तरह जांच करें और जांच के बाद उन्हें सही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। फतेहपुर के थाना जाफरगंज बहनपुर गांव के सवारियों के से भरी बस फतेहपुर से चलकर जहानाबाद जा रही थी, तभी अचानक बहमपुर गांव के मोड़ के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर और बस की टक्कर हो गई, जिसके यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गड्ढों में चली गई। इस दुर्घटना से ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के महेंद्र शिवाला स्थित सरयू लॉन में व्यवहारिक समारोह के दौरान गोली लगने से आशीष नामक युवक की मौत हो गई है। मौत के बाद से ही पुलिस ने असलाह धारकों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके मद्देनजर ब्लॉक प्रमुख के परिवार में आयोजित बारात में असलाह लेकर पहुंचे, जहां 5 लाइसेंस धारकों का हथियार पुलिस ने जब्त किया है। इसमें 2 बंदूक और 3 पिस्टल शामिल है। इस मामले पर एडिशनल SP ने बताया कि इन हथियारों को जब्त करके निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। खबर मिर्जापुर से है, जहां असलाधारकों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, जहां 5 लाइसेंस धारकों का हथियार जब्त किया है। आपको बताते चले कि 5 लाइसेंस धारकों का हथियार पुलिस ने जब्त किया है और असला लेकर पहुंचे हैं, जहां 5 लाइसेंस धारकों का हथियार पुलिस ने जब्त किया है। इसमें 2 बंदूक और 3 पिस्टल शामिल है। इस मामले में एडिशनल SP ने बताया कि इन हथियारों को जब्त करके निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर के जहानाबाद थाना में अमौली तिराहे पर एक बाइक में सवार 2 लोग निकल रहे थे, तभी बगल से खड़ी कार में ड्राइवर ने अचानक दरवाजा खोल दिया और बाइक सवार दरवाजे से टकराकर सड़क पर गिर गए, जिसके बाद पीछे से आ रहे डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया और बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरा युवक घायल हो गया है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। खबर फतेहपुर से है, जहां एक युवक की मौत हो गई है, डंपर ने बाइक को मारी है टक्कर, जहां कार के अचानक डोर खोल देने की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसके बाद पीछे से आ रहे दरवाजा खोल दिया और बाइक सवार दरवाजे से टकरा कर सड़क पर गिर गए, जिसके बाद पीछे से आ रहे डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया और बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है।
वहीं दूसरा युवक घायल हो गया है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। खबर फतेहपुर से है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके का हादसा अचानक से हुआ है। एक कार सवार ने अचानक से दरवाजा खोल देने की वजह से यह हादसा हुआ, जहां उसके अचानक दरवाजा खोल देने की वजह से पीछे से आ रहे दो बाइक सवार दरवाजे से टकरा कर गिर गए, जहां पीछे से डंपर ने उन युवकों पर गाड़ी चला दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है और एक घायल हो गया है। शाहजहांपुर के तहसील कलान के थाना कलान के गांव निरकुरा में स्कूली छात्र अनमोल की स्कूल जाते समय 28 जनवरी 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज मोहम्मद कमर ने दो हत्यारोपी को फांसी की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? स्कूल की छात्र का जो ये मामला है वो कब से चला आ रहा है? देखिए, लगभग इसके लिए जो 2015 से लगभग ये मामला चला आ रहा है 28 जनवरी से, तो इसमें देखा जाता है कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश है, जिसको पुरानी रंजिश के चलते एक युवक गया था दवाई छिड़कने के लिए गेहूं की फसल में, तो उस समय एक 9 वर्षीय बच्चे की जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई थी, उसी प्रकरण में लगातार लगभग 6 सालें हो चुकी हैं इस केस को चलते हुए। तो देर शाम कल न्यायाधीश ने इसमें विचार किया, तो इसमें कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख जुर्माने का भी प्रावधान रखा है। और इसमें अभी तक जो पीड़ित परिवार का कहना है, उनका कहना है कि देखिए, हम जो भी याचिका दायर हाई कोर्ट से लेकर हर जगह न्यायाधीश करेंगे और अपील करने की बात कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जो है पुरानी रंजिश को लेकर प्रकरण देखा जा रहा है, जिसमें गोली मारकर बच्चे की हत्या की गई थी। आइन, किस तरीके का मामला था जिस वजह से एक 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई? देखिए, ये कुछ विवादित था, मेड़ के खेत की मेड़ के चलते, सरसों का खेत था जिसके चलते उन्होंने कुछ विवाद मेड़ के चलते चल रहा था, जिसमें इन लोगों की काफी दिनों से रंजिश चली आ रही थी। और जब दबंगों ने जिस तरीके से जो वारदात को अंजाम दिया, तो उस समय जो बच्चा जो बालक था 9 वर्षीय, वह दवा छिड़काव के लिए गया था, उस समय ये इनकी गोली मारकर दो अन्य जो पक्षे के लोग थे वो घात लगाए हुए बैठे थे, तो उन्होंने इसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। आइंद, और जो अभी कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई के चलते जैसे मौत की सजा सुनाई गई है, तो वो कब तक इनकी सजा दी जाएगी? देखिए, अभी ये जो है पुलिस ने मामले को विवेचना करके कोर्ट में आरोप दाखिल किया है और सजा सुनाई है। अभी तक इसने कोई ऐसा आरोपियों की फांसी की सजा सुनाने के बाद ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं रखा गया, इनकी डेट निश्चित की गई है कि इस दिन इनको फांसी दी जाएगी। अभी जो है इनको आज न्यायाधीश से वहां से जेल भेजा गया है, जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद इनका जो आगे का कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी तक जो पुलिस कस्टडी में इन आरोपियों को रखा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरिंद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। उन्नाव के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने लखनऊ कानपुर हाईवे की नवीन मंडी में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने संबोधित करते हुए कहा कि कई संगठनों ने आंदोलन करके भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे संगठनों के आंदोलन को हम किसी भी सूरत में समर्थन नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई आंदोलन इसलिए कर रहा हो कि हमारी मांगे मान ली जाएं, तब तो ठीक है। कोई आंदोलन इसलिए कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखे, तो ऐसे आंदोलन का किसी भी सूरत में हम लोग नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते ऐसे आंदोलन का समर्थन। आंदोलन हमेशा कुछ विषयों को लेकर, कुछ उद्देश्यों को लेकर, कुछ मांगों को लेकर होता है। यह जो आंदोलन चल रहा था, यह आंदोलन बाहर से दिखाई पड़ रहा था कि कुछ मांगे हैं किसानों,
लेकिन जब सोनभद्र के विंडमगंज थाना क्षेत्र में 8.5 साल पहले 7 वर्षीय दलित बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी शहजाद को फांसी और 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद की भुगतनी होगी। खबर सोनभद्र से है, जहां दुष्कर्म के आरोपी को सजा मिली है। कोर्ट ने सुनाई है आरोपी को फांसी की सजा, साथ में उन्होंने अर्थदंड भी लगाया है जिसमें उन्होंने 2 लाख के मुआवजे की बात की है। आपको बता दें कि अपर सदर न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी शहजाद को फांसी और 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी पड़ सकती है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है एंड आरोपी को जिला कार्यालय में लिया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु महोत्सव हर साल मनाया जाता है और भव्य मेला भी लगता है, जहां दूर दराज से लोग लाखों की संख्या में कपिल वस्तु महोत्सव देखने आते हैं। वहीं इस मौके पर फिल्मी दुनिया के मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह ने अपने गीतों के माध्यम से जनता का मनोरंजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।